गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं हूं ऑटो शॉप कार एक्सेसरीज में। तो आज अपने पास आई है स्विफ्ट एलेक्ट्राई, जिसका आपका इंटीरियर पूरा चेंज हो रहा है, जिसमें गत्ते आपके तो गत्ते हो गए, पिलर हो गए, आपका डैशबोर्ड हो गया, ये सब चेंज हो रहा है। बाहर की आइटम चेंज हो रही है, आपकी बेस ट्यूब लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लग रहा है और कैसे। अभी तो खुली नहीं है, अभी खुल रही है, होने के बाद ही कैसी लगेगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये है अपनी शॉप करोल बाग में, ऑटो शॉप कार एसेसरीज की, करोल बाग आर्य समाज रोड पे। ये सामने हनुमान जी की मूर्ति, वहाँ से आर्य समाज की रोड की तरफ लेफ्ट लोगे, चौथी पांचवी शॉप है। डिस्क्रिप्शन में नंबर आई रहोगा, वहाँ से कॉल करके आप आ सकते हैं। तो ये है अपनी स्विफ्ट, देख सकते हैं आपका स्विफ्ट एलेक्साई मॉडल, जिसमें होना है आपका काम, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अंकल जी हमारे पिलर वगैरह खोल रहे हैं। पिलर का काम है, आपके गत्तों का काम है, डैशबोर्ड का, इंटीरियर बेसिकली। अभी इंटीरियर आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का है, कुछ टाइम मतलब शाम तक ये इंटीरियर इसका पूरा चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल काम जारी है करने में, तो एक बार हो जाए तो उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे दिखाता रहूँगा क्या क्या इसमें लग रहा है और कैसे हो रहा है काम और क्या क्या सामान इसमें लगा है। सीट कवर आ चुके हैं, अब सीट कवर फिट होने हैं, देख सकते हैं टैन कलर में सीट कवर लग रहा है, टैन कवर का इसका इंटीरियर है, ये इंटीरियर का लेदर का, ये कपड़ा भी आ चुका है आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग कवर गत्ते वत्ते पूरे टैन कलर में, पूरा इंटीरियर होना है इसका। देख सकते हैं गाइस पहले ब्लैक कलर के थे और यहाँ से इनकी जो होती है स्लाइस छिली जाती है, स्लाइस छिलने के बाद अंदर से एक रोड निकाली जाती है, रोड निकालने के बाद जैसे कि वो अंकल रोड फिट कर रहे हैं कवर के अंदर, तो फिट होने के बाद बिल्कुल स्किन फिट बकेट फिटिंग कवर लगाए जाते हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि रोड अंदर घुस रहे हैं, उसके बाद ये बकेट फिटिंग होंगे, कुछ पता भी नहीं लगेगा अंदर की स्लाइस निकली है या नहीं निकली। तो आप देख सकते हैं फर्क, ये था पुराना और ये है बकेट फिटिंग होने के बाद। भाई गाड़ी पुरानी से बिल्कुल नहीं हो जाती है। ये स्टीयरिंग कवर की स्टिचिंग हो रही है, हमारा भाई स्टीयरिंग कवर की स्टिच कर रहा है परफेक्शन। कितना टाइम हो गया भाई करते हुए अभी देखो मेरे को इसमें इस अली में अभी हाँ इस अली में होगा कम से कम 15 मिनट होगा, तो मतलब पौना घंटा एक घंटा लग जाता है। अगर तसल्ली से करो, जल्दी करनी हो तो भाई आधे घंटे बंदा पूरी करके भेज दे, तो उसे मजा नहीं आता ना। भाई गाइस आप देख सकते हैं स्टिचिंग करता है भाई परफेक्शन से, ताकि मजा आया दोबारा इसी को बुलाए करवाने के लिए। बाकी होने के बाद दिखाता हूँ। ये स्टीरियो भी लग चुका है एंड्रॉइड अपना इसमें विद फ्रेम। भैया तो हेलो गाइस, फाइनली अपनी स्विफ्ट के अंदर जो इंटीरियर चेंज हो रहा था वो हो चुका है, फाइनल रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें लगा है। तो ये भाइयों का सामान था जो ऊपर पड़ा हुआ है, अभी डिक्की में बेस ट्यूब लगी हुई है। तो फिलहाल मैं बाहर का दिखा देता हूँ, जैसे कि बाहर अपना ये डोर वाइजर लगा है प्लेन वाला, तो बाहर की तरफ सिर्फ डोर वाइजर लगा है। तो जैसे कि देख सकते हैं डोर वाइजर और इंटीरियर आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ। इंटीरियर ये टैन कलर में है, भाई अभी 70 मैट डाल रहे हैं, फिलहाल अंदर चलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये है अपना इंटीरियर ब्लैक और टैन कलर में, ये अपना इंटीरियर हुआ है। इंटीरियर में आप देख सकते हैं अपने पिलर रेडी हुए हैं बिल्कुल टैन कलर में, आपके सामने गत्ते रेडी हुए हैं और ये टैन एंड ब्लैक कलर में आपका सीट कवर रेडी हुआ है जो बकेट फिटिंग में है। ये देख सकते हैं इस बकेट फिटिंग की स्टिचिंग देख सकते हैं, काम की परफेक्शन देख सकते हैं। ये आपके सीट कवर रेडी हुए हैं एंड सेकंड थिंग आपका ये स्टीयरिंग कवर रेडी हुआ है इसी सेम कलर में टैन में। आपको गत्ते दिखा रहे तो गत्ते भी बिल्कुल टैन कलर में रेडी हुए हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई दिया था कि पहले गाड़ी कैसी थी और अब कैसी हो चुकी है। तो ये भाई हमारे 70 मैट डाल रहे हैं अभी इसमें,
तो 70 मैट भी वो दिखा रहे, तो मैं आपको एक बार 70 मैट फिट हो जाए तो फिलहाल शाम बाहर का 70 मैट दिखा रहे हैं, देख सकते हैं 70 मैट फिट हुआ। 70 मैट का मैं आपको बहुत वीडियो में बता भी चुका हूँ कि किस काम के लिए परफेक्शन है, मतलब देख सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर कवर है जिससे डस्ट नीचे की तरफ नहीं जाती है, फ्लोरिंग अभी खराब नहीं होती है, तो ये बेस्ट पार्ट है इसका 70 मैट का। तो मोस्टली हर कोई आजकल अपनी गाड़ी में 70 मैट ही लगवा रहे हैं, तो चलिए एक बार गाड़ी में बैठ के देख लेते हैं कैसा फील आता है। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपनी स्विफ्ट एलेक्साई में, जिसमें आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपका एसी वेंट के ऊपर अपना यही सेम कलर का टैन कलर का पूरी लेदर फिनिश में चेंज हुआ है ब्लैक से, और एंड्रॉयड भी लगा है इसमें, पर इन्होंने बैक कैमरा नहीं लगवाया, इन्होंने जस्ट एंड्रॉयड लगवाया। तो आप ये देख सकते हैं मेगा सोनिक का 216 का एंड्रॉयड लगा मेगा सोनिक का, पीछे बैक कैमरा इन्होंने इंस्टॉल नहीं करा और बेस ट्यूब लगाई है, तो बेस ट्यूब की आवाज आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। अपने यहाँ पे अपना स्पीकर भी तो आगे के स्पीकर नहीं थे ब्लो पंखे, इन्होंने स्पीकर लगाए आगे फ्रंट पे, देख सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं बेस लगा है आपकी इस गाड़ी में, फ्रंट पे इंटीरियर हुआ है, आपके पिलर चेंज हुए हैं टैन कलर में, आपके ये भी देख सकते हैं मिरर के साथ वाला जो मतलब उसमें भी हुआ है, आपके गत्ते टैन कलर में चेंज हुए है, स्टेयरिंग कवर आपका टैन कलर में रैप हुआ है, एंड सीट कवर तो मैंने आपको दिखाया है कितने कंफर्टेबल स्टिचिंग वाइज बकेट फिटिंग, तो ये सब इस गाड़ी में काम हुआ है। पीछे एविएशन की बेस ट्यूब लगी है, वो मैं आपको अगर पीछे जाके दिखा देता हूँ, तो बेसिकली और 70 मैट, तो बेसिकली इस गाड़ी में ये काम हुआ है। तो ये अपनी एविएशन की बेस ट्यूब विद एम्पलीफायर, तो जो भाइयों ने अपनी स्विफ्ट में लगवाई है वो लगवाई है विद एम्पलीफायर बेस ट्यूब, इसमें एम्पलीफायर की नीड नहीं है और इसका प्राइस भी बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। और जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड सेकंड थिंग डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया होगा, अपनी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ऑटोशॉप कार एक्सेसरीज का, वहां से नंबर लेके अपना बजट ले सकते हैं, किसी भी गाड़ी में कैसा भी काम करवा सकते हैं, सिर्फ एक कॉल कीजिए और शॉप पर आइए करोल बाग ऑटोशॉप कार एक्सेसरीज में, और जैसा मर्जी आप काम कराइए और अपने बजट के अनुसार आपका सारा काम होगा। ये गाड़ी मैंने आपको पूरी दिखा दी, इसका इंटीरियर कैसे रेडी हुआ है, सुबह आई और शाम को पूरा का पूरा इंटीरियर रेडी हो गया, आपके अकॉर्डिंग सारा इंटीरियर रेडी हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गुड नाइट। ये अपनी